हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा खेरा और आज मैं बात करने वाली हूँ सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस के बारे में। सुपरा स्पाइनेटस हमारे शोल्डर की एक मसल होती है और इसके टेंडन में सूजन या दर्द आ जाने पे हम इसे सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस कहते हैं। जब भी आपको कंधे को 90 डिग्री के ऊपर उठाने में दर्द महसूस हो तो ये सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो सकता है। अगर आपको इस पोजीशन में हाथ को इस तरह से मूवमेंट करने में दर्द महसूस हो तो ये सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो सकता है। इसके लिए मैंने एक एंटीकैन टेस्ट आपको बताऊंगी जिसको करने से आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आपको सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस है या शोल्डर की और कोई बीमारी जैसे फ्रोजन शोल्डर वगैरह है। तो एंटीकैन टेस्ट कैसे करते हैं, आपको इस तरह से सीधा खड़ा हो जाना है, थम्स अप करना है और थम्स डाउन करना है। जब थम्स अप से थम्स डाउन करेंगे तब अगर आपको पेन महसूस हो रहा है शोल्डर में तो ये सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस को कंफर्म करेगा। स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस ज्यादातर एथलीट्स में देखने को मिलता है जिनका ऐसा गेम होता है कि ओवरहेड एक्टिविटी करनी होती है शोल्डर की, तो सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो सकता है या कंधे की मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। अगर आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपको बार बार हाथ ऊपर नीचे करना पड़ता है या ओल्ड एज हो गई उस वजह से भी कंधे में दर्द आने लगता है या ओवर एक्सर्शन के कारण, भारी वजन उठाने के कारण या फिर हमको एक्सरसाइज ही नहीं करते और एकदम से बहुत ही हैवी लोड उठा लिया हमने कंधे से या कंधे को बार बार ऊपर नीचे करने का काम किया तो भी सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो सकता है। इसके लिए हम ट्रीटमेंट भी करते हैं जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है राइस। राइस मतलब आर फॉर रेस्ट, आई फॉर आइसिंग, सी फॉर कंप्रेशन एंड ई फॉर एलिवेशन। रेस्ट मतलब आपको बेड रेस्ट नहीं करना है इसमें। रेस्ट का मतलब होता है कि आपको शोल्डर के उससे कोई वजन नहीं उठाना है, बार बार ऊपर नीचे करके कोई ओवरहेड एक्टिविटी नहीं करनी है, लेकिन एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। एक्सरसाइजेस के लिए आपको बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है जो कई बार मैंने शोल्डर की एक्सरसाइज बताई है। शोल्डर की एक्सरसाइजेस में प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप जरूर जाके देखिएगा। और शोल्डर की कुछ सिंपल एंड ईजी एक्सरसाइजेस से आप सुपरा स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हमारी एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से बांध कर ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है, जितना ऊपर ले जा पा रहे हैं उतना लेके जाना है, नीचे लेके आना है। जब ये करने में आपको इजी हो जाएगा तो आपको हाथ में 1 किलो का वजन या आधा किलो का वजन लेके भी एक्सरसाइज को करना है। नेक्स्ट में आपको इस तरह से हाथ को 90 डिग्री लेके जाना है, टर्न करना है, क्लैप नीचे टर्न डाउन, 90 डिग्री टर्न क्लैप नीचे टर्न डाउन। ये सिंपल एक्सरसाइज जो पहले भी कई बार मैंने बताई है, ये सुपर स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथ रख के आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी है जो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट दे सकती है और सुपर स्पाइनेटस टेंडिनाइटिस का दर्द भी दूर कर सकती है। फिंगर लेटर एक्सरसाइज, इस तरह से आपको शोल्डर बॉल के सामने खड़ा होके फिंगर लेटर के ऊपर हाथ लेके जाना है और नीचे लेके आना है, फिर ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है। बेसिकली ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज करने से आपके शोल्डर मसल की स्ट्रेंथनिंग होगी। फिर इस तरह से इधर फेस करके आपको साइड से लेके जाना है, नीचे लेके आना, साइड से ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके आना है। अगर आपके पास इस तरह का फिंगर लैडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से बॉल पे भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें आपको कमर को बहुत झुकाना नहीं है, थोड़ा सा झुकाना, अदरवाइज कमर में दर्द आ जाएगा। और हाथ को हवा में छोड़ देना है इस तरह से ढीले, और आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस तरह से एक्सरसाइज को करना है। हाथ को राउंड राउंड घुमाना है, आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, बस हाथ को हवा में छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज अपने आप होती चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं पेंडुलम एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, जो आपका पेनफुल शोल्डर है उसके हाथ को दूसरे शोल्डर पर रख के सीधा करना है। जो हाथ से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उसी हाथ में मुझे पेन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह से कमर पे रख के सीधा, जहाँ हम बेल्ट लगाते हैं वहां पर रख के सीधा, जहाँ हम बेल्ट लगाते हैं वहां पर रख के हमें इस तरह से सीधा। नेक्स्ट
एक्सरसाइज में दोनों कोहनियों को जोड़ के घुमाना है और फिर दोनों कोहनियों को जोड़ना है, घुमाना है और जोड़ना है, घुमाना है फिर जोड़ना है, घुमाना है फिर छोड़ना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने एल्बो को टेबल के ऊपर 90 डिग्री तक रखना है और कमर को पीछे लेके जाना है। जैसे ही कमर पीछे लेके जाएंगे शोल्डर में स्ट्रेच फील होगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है। मुझे सुपर स्पाइनेटस स्टैंडर्डाइटिस की कुछ सिंपल एंड इजी एक्सरसाइज है जो बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसे ज़रूर करके देखिएगा और ये पहले ज़रूर चेक कर लीजिएगा एंटी कैन टेस्ट से कि आपको सुपर स्पाइनेटस स्टैंडर्डाइटिस है या नहीं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।